हे गाइस, क्या हाल चाल, कैसा रहा हिस्ट्री सिविक्स का पेपर? जिस पेपर का मुझे गाइस सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो पेपर आ चुका है गाइस। अब हमारा अगला पेपर है मैथ्स का और हम लेकर आ गए हैं किलर स्ट्रेटजी फॉर मैथ्स। किलर है गाइस, किलर स्ट्रेटजी। आप इस स्ट्रेटजी की मदद से फुल 80 out of 80 स्कोर आराम से कर सकते हैं। और गाइस मैं सुनिए गाइस एक सेकेंड, मैं गाइस ला रहा हूँ वन शॉट वीडियोस। आई थिंक एक वीडियो तो दो वीडियोस आपकी आज ही अपलोड हो जाएंगी, वन शॉट वीडियोस एक्सक्लूसिवली ऑन हैकर CISE। तो गाइस जो जो नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड टेलीग्राम पर जाकर हमारा चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वीडियोस और लाइव स्ट्रीम्स के अपडेट वहीं जाते हैं, आपके सबसे पहले वहीं पहुँचते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ उसको जाकर सब्सक्राइब एंड फॉलो कर देना टेलीग्राम को, और इंस्टाग्राम का तो है लिंक, तो चाहो तो फॉलो कर लेना उस पर भी। तो गाइस एक्सक्लूसिवली आने वाले हैकर CISE पे उस उन वीडियोस में क्या होगा गाइस, कॉन्सेप्ट होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं पहले आपको, रिवीजन वीडियोस होंगी वो, ठीक है? रिवीजन सीरीज होगी वो एक, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उसमें, कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन होंगे, मतलब आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन जिससे आपका कॉन्सेप्ट भारी हो जाए। अगर जिसको कुछ नहीं आता वो भी ये वीडियो देख ले तो एकदम मस्त बन सकता है एक्सपर्ट। PYQs होंगे उसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी होंगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो भी होंगे, ठीक है? और मुझे पता है किस तरीके के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो उस हिसाब से भी मैं आखिरी दो दिन रिवीजन कराऊंगा, ठीक है गाइस? तो यार मार्क्स डिवीज़न देख लेते हैं, किस तरीके से आपका मार्क्स डिवीज़न होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो गाइस यही है कि यार मार्क्स डिवीज़न आपका कैसे होने वाला है, ठीक है? तो गाइस प्रोबेबिलिटी से शुरू करते हैं। प्रोबेबिलिटी का एक MCQ आएगा, ठीक है? एक MCQ आएगा एंड एक 3 marker आएगा, एक 3 number का क्वेश्चन आएगा, एक MCQ आएगा। इसका मतलब गाइस टोटल 4 marks, 4 marks का आने वाला है आपका प्रोबेबिलिटी से, ठीक है? और टेंशन मतलब जो 3 number का क्वेश्चन आएगा वो ही मैं आपको करा दूंगा, और जो बेसिक 1 mark होंगे वो भी करा दूंगा, सब करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एलजेब्रा से गई 7 MCQ आ रहे हैं, 7 MCQs, कितनी बड़ी बात है ना। चैप्टर भी तो ज़्यादा है सर। हाँ यार भाई, चैप्टर भी ज़्यादा है। 4 आपके 3 number के क्वेश्चन आने वाले हैं एंड 4 आपके 4 number के, है ना पावरफुल पावरफुल यूनिट, एकदम पावरफुल, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी एलजेब्रा है गाइस। पूरे मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो है एलजेब्रा, क्योंकि गाइस 35 नंबर का यहाँ से आने वाला है गाइस। कमर्शियल, जिसका आपको इंतजार था, कमर्शियल ईजी यूनिट, एक MCQ आएगा उससे, ठीक है? एक आपका 3 marker क्वेश्चन आएगा, एक आपका 4 number का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? दैट मीन्स 8 number का इन टोटल आपका इस यूनिट से आने वाला है, ठीक है? 8 marks का। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दो आने वाले हैं, 2 MCQs आने वाले हैं, और एक 3 number का क्वेश्चन आने वाला है, और एक 4 number का। गाइस दो भी आ सकते हैं, 2 possible, दो भी आ सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ 3 आ जाएंगे गाइस, अगर यहाँ MCQ में ऊपर नीचे हो जाए तो यहाँ 4 number वाले में भी ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि गाइस यहाँ से 5 number के क्वेश्चन आने की आशंका है, ठीक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्पेसिमेन पेपर में भी आपका दे रखा है, इसलिए ये समझ लो कि जो MCQs हैं, एक सेकेंड मैं पेन ले लेता हूँ दूसरा, ठीक है? जो गाइस आपके MCQ हैं और 4 number के क्वेश्चन हैं, इनमें यार पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, या 3 MCQs भी पॉसिबल हैं यहाँ पर, ठीक है? 3 MCQs भी पॉसिबल हैं यहाँ पर, 2 4 marker के क्वेश्चन भी पॉसिबल हैं, अगर ये 5 number का आपका नहीं आया तो, ठीक है? ओके गाइस, क्योंकि ये पहली बार स्पेसिमेन पेपर में पहली बार 5 number का ये क्वेश्चन दे रखा है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो गाइस इन टोटल 14 number की ये यूनिट आने वाली है, ठीक है? तो गाइस इसको भी बिल्कुल अच्छे से कर जाना, क्योंकि सब बहुत ही ज़्यादा इजी यूनिट ये भी है कोऑर्डिनेट, और कितने आराम से गाइस कितने आराम से आप बना सकते हो 14 number, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री भैया, ट्रिग्नोमेट्री तो हमको डिफ़िकल्ट लगती है, नहीं यार इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, और डिफ़िकल्ट लगती भी है तो यार इतना आने वाला ही नहीं है उससे, मात्र 11 number का आने वाला है उससे, ठीक है? 11 marks का आने वाला है मात्र, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पक्का आएगा 4 number का। तो गाइस आप समझ लो ट्रिग्नोमेट्री से एक आधी दो क्वेश्चन आएंगे, है ना? दो क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री से, जो कॉम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, तो मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा किस तरीके के आएंगे ट्रिग्नोमेट्री की, जब हमारी वन शॉट वीडियो आएगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो, हाइट एंड डिस्टेंस की आज ही पोस्ट हो जाएगी वीडियो।
तो उसके बारे में आप फिगर ना करें। और गाइस हाइट एंड डिस्टेंस की तो मैं पहले भी ले चुका हूँ जब आपका हिस्ट्री फिजिक्स का पेपर था उसके दो दिन पहले। अब स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक भैया ये तो बहुत ही ईजी है, ये तो हम आराम से कर लेंगे, तो यार कर लेना। और गाइस एक बात याद रखना कि यहाँ से 6 मार्क्स 6 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है, 6 नंबर का स्टैटिस्टिक्स से, जो कि एकदम पक्का है। देखते हैं कौन सा है गाइस। 6 नंबर का एकदम पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से स्टैटिस्टिक्स का, एक क्वेश्चन 6 नंबर का है ना, 6 नंबर का 6 मार्क्स का पक्का है, जिसमें गाइस 2 क्वेश्चन तो आपके पक्के हैं, एक मीडियन का पक्का आएगा एंड एक क्वार्टाइल का भी पक्का आएगा। अब यार तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा आपका, सब पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये सब पार्ट हैं आपके, ठीक है, ये गाइस आपके हैं सब पार्ट्स, ठीक है। पूरा क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर का, ठीक है, 3 क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क्स के, ओके। तो ये दोनों तो पक्के हैं, मीडियन और क्वार्टाइल। मैंने बहुत साल के पेपर एनालाइज करे एंड पता लगा मीडियन का क्वेश्चन इस कंफर्म आता है, हर बार ही आता है, और जो क्वार्टाइल का है वो भी हर बार ही आता है। अब बात रह गई है यार इनमें से कोई एक आ सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने आ सकता है, परसेंटेज फाइंड करने आ सकता है आपका, परसेंटेज टाइप वाले है ना, और ये डिस्टेंस वाले आ सकते हैं, कवर वाले भी आ सकते हैं। तो गाइस इनमें से कोई एक आ जाएगा, ठीक है, लिख देता हूँ, एनी वन आउट ऑफ दीज, ठीक है। तो गाइस ये क्वेश्चन तो तुम पक्का कर लो, 6 नंबर तुम्हारे तुरंत पक्के हो जाएंगे, 6 नंबर 6 मार्क का एक क्वेश्चन आपका आएगा। दैट मीन्स गाइस, दैट मीन्स आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो 14 नंबर 14 मार्क्स का आने वाला है, 14 मार्क्स भी है, ये तो भाई ये काफ़ी हैवी है, कितने आसानी से कर लेंगे हम तो, हाँ तो कर लो यार, ठीक है। और मैं तो हूँ भाई तुम्हारे लिए, मैं तो बैठा हूँ। ज्योमेट्री देख लो गाइस, ज्योमेट्री से 2 MCQ आने वाले हैं आपके, 2 आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं एंड आपके 2 4 मार्क्स के, दैट मीन्स गाइस 16 मार्क्स की हमारी ज्योमेट्री आने वाली है भैया, 6 मार्क्स की, 16 मार्क्स की मैं कह रहा हूँ, 6 मार्क्स की ज्योमेट्री आपके 16 नंबर की आने वाली है। अब अरे भाई मेंसुरेशन, ये तो भैया बहुत ही आसान टॉपिक है, हाँ, और मैं भी इसको लाने वाला हूँ जल्दी से जल्दी, शायद कल ही ले आऊँ मेंसुरेशन की बन शॉर्ट वीडियो। तो भैया इसमें यार 1 MCQ आने वाला है एंड एक 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है एंड 1 4 नंबर का, और 8 मार्क्स यार, एक सिंगल चैप्टर है ना, एक छोटा सा चैप्टर 8 नंबर आपके कन्फर्म करा सकता है। तो मैं बिल्कुल इसकी बन शॉर्ट वीडियो लाऊँगा क्योंकि यार इम्पोर्टेंट है यार, है ना। कमर्शियल में आपके देखो 2-3 चैप्टर हैं, इसमें अकेला 1 चैप्टर है उसकी हेल्प से। तो गाइस ये बनता है टोटल इसका 110 मार्क्स। अब भैया यार पेपर तो 80 मार्क्स का होना है, तो यार इसमें इंक्लूडेड हैं एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब जो हमें अटैम्प्ट भी नहीं लेने, हमें ऑप्शन मिलने वाले हैं, बताते हैं कैसे। तो इस फॉर्मेट हम देख लेते हैं, फॉर्मेट समझ लेते हैं पेपर का। पेपर में आपके 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए होगा एंड एक सेक्शन आपका बी होगा, ठीक है। ए सेक्शन में आपका क्वेश्चन बन रहेगा जिसमें कि 15 MCQ रहेंगे, 15 MCQ, हर एक MCQ कैरी करेगा 1 मार्क, दैट मीन्स 15 मार्क्स के आपके MCQ आने वाले हैं, ठीक है। और गाइस क्वेश्चन 2 जो आपका रहेगा वो रहेगा 12 नंबर का रहेगा क्वेश्चन 2, उसमें 3 सब पार्ट आएंगे, 3 सब पार्ट्स, ठीक है, 3 सब पार्ट रहेंगे, पहला 4 नंबर का और दूसरा भी 4 नंबर का एंड गाइस तीसरा जो रहेगा वो भी 4 नंबर का, 4 मार्क्स का। लेकिन गाइस जो क्वेश्चन 3rd आने वाला है आपका, उसमें गाइस 3 सब पार्ट जैसा इसमें थे उसमें भी रहेंगे सब पार्ट्स, लेकिन गाइस इसमें पहला क्वेश्चन तो 4 नंबर का ही रहेगा, दूसरा भी 4 का रहेगा एंड गाइस तीसरा जो सब पार्ट रहेगा वो 5 मार्क्स का हो जाएगा, इसलिए गाइस ये कैरी करेगा आपका टोटल 13 मार्क्स, ठीक है, 13 मार्क्स कैरी करेगा ये आपका। तो गाइज इनको अगर हम टोटल करते हैं, जो आपका सेक्शन ए है उसके मार्क्स टोटल करते हैं तो गाइज 40 नंबर आपके बनते हैं। तो गाइज 40 नंबर का आपका आने वाला है सेक्शन ए एंड टोटल 40 नंबर का आने वाला है सेक्शन बी, यहाँ हो गए आपके 80 मार्क्स, ठीक है, टोटल 80 मार्क्स आपके यहाँ पर हो गए, ओके भैया हम तो यार 80 में से 80 लाएंगे, हाँ यार मैं भी यही चाहता हूँ। मैथ्स यार मुझे यार पर्सनली बहुत पसंद है यार, और तुम्हें भी होगा आई थिंक यार, मैथ्स में यार 4 डालो प्लीज़, मैथ्स में 4 डालो, आपके पास टाइम है और आपके पास सोर्स भी है, मैं इतनी बढ़िया वीडियोस ला रहा हूँ, तो यार 4 डालो। तो देखो सेक्शन बी में यार 7 क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं, जिसमें से गाइज हमें अटैम्प्ट लेना है
हमें गाइस अटेम्प्ट लेना है सिर्फ 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, 7 में से 4 अटेम्प्ट लेने। कितनी यार कितनी छूट दे दी तुम्हें 100 नंबर लाने के लिए, ठीक है। अब यार हर एक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरी करेगा 10 मार्क्स, 10 नंबर का होगा हर एक क्वेश्चन। उसमें यार सब पार्ट होंगे, ठीक है, उसमें यार सब पार्ट होंगे। ओके गाइस, आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया। उसमें सब पार्ट होंगे, 3 सब पार्ट होंगे टोटल, 3 सब पार्ट, 3 3 4 है ना, 10 नंबर, 2 क्वेश्चन 3 3 के होंगे एंड 1 4, और 1 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन अलग आएगा जो आपका स्टेट वाला है, 1 6 नंबर का सब पार्ट आएगा उसमें, ठीक है, 1 6 1 4 का। सो गाइज आई होप तुम्हें पेपर का फॉर्मेट क्लियर हो गया। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बारी पेपर, रुक जाओ ज़रा, कहाँ है अपना पेपर, ये है गाइस अपना पेपर, ये है, देखो गाइस इसमें 15 MCQs आए, 15 की मैंने बात करी थी, 15 एक एक नंबर के MCQs आए। देन आपकी देखो क्वेश्चन 2, ये 10 नंबर का आया आपका, ठीक है, 10 मार्क्स का ये आया आपका, 4 4 4 जो मैंने अभी बात करी थी, ये भी 10 का आया, 10 का नहीं, ये 12 12, ठीक है, इस 12। और गाइस ये भी देखो, ये 13 का आएगा, 10 4 4 4 5 13 मार्क्स, ये गाइस आपका 13 नंबर का हो गया, ठीक है, तो आपके 40 नंबर हो गए सेक्शन ए से एंड, ठीक है। अब आपका आगे सेक्शन बी, इसमें से देखो मैंने कहा था 4 क्वेश्चन टेबलेट हैं टोटल गाइस, इसमें रहेंगे आपके कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन टोटल 7 रहेंगे, ठीक है, आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से 4 अटैम्प्ट लेना है। कितनी छोटी बात है, मैंने कहा 3 सब पार्ट रहेंगे, 3 3 4, ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हैं, आपको सिर्फ इनमें से 4 अटैम्प्ट लेना है। मैं जो दिखा देता हूँ, देखो मैंने जो बात कही थी 6 नंबर का आपका एक क्वेश्चन कन्फर्म है, आप पुराने साल के पेपर उठा लो आपको पता लग जाएगा, बहुत सारे पेपरों में एक मीडियन वाला तो पक्का ही है, क्वार्टाइल वाला पक्का है, और बस इसमें चेंज आएगा। देखो मैंने कहा था परसेंटेज वाला आ सकता है, तो ये परसेंटेज वाला आया इस बार, ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन तो कन्फर्म है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो भाई इसी हिसाब से आपका पेपर आने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी इतनी सी बात, आई होप आपको क्लियर है। तो जी भैया पढ़ना कैसे, तो गाइस देखो ज़्यादा मोटा हाइलाइटर हो गया, अरे, एक सेकंड गाइस, ठीक है। तो गाइस तुम देखो कि यार एलजेब्रा 35 नंबर का आने वाला है, तो यार तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए एलजेब्रा की वीडियो मैं सबसे पहले ला रहा हूँ तुम्हारे लिए, एलजेब्रा ट्राई करना, वो पूरा का पूरा हो जाए। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा चुका हूँ मैं तुम्हें इक्वेशन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले करा चुका हूँ, तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लेना, पीछे डली होंगी, ठीक है, नहीं पढ़ी है तो अभी डाल दूंगा, ठीक है। एंड तुम्हारा एलजेब्रा होने के बाद तुम रेशियो वगैरह सब लाऊंगा, मैं सब ला रहा हूँ, आज ही अपलोड हो जाएगा शायद रेशियो तो। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यार 14 नंबर की आने वाली है, कितनी आसान है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो तुम उसको कर सकते हो उसके बाद, ठीक है। या तुम चाहो तो यार मेंशुरेशन तो यार सबसे ईजी है, तुम चाहो तो आज ही पूरा मेंशुरेशन 8 नंबर अपने कन्फर्म कर सकते हो, ठीक है, आज ही चाहो तो 8 नंबर कन्फर्म कर सकते हो। तुम हाइट एंड डिस्टेंस कर सकते हो, हाइट एंड डिस्टेंस का 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, तो वो जाके कर सकते हो, ठीक है, उसकी भी मैं बनशॉट वीडियो आज ही डाल दूंगा, तो वहाँ ये नंबर तुम्हारे पक्के हो गए। जो पक्के नंबर जैसे 6 नंबर वाला क्वेश्चन जो मैंने बताया था अभी, वो तुम जाके कर सकते हो आज, तो 6 नंबर तुम यहाँ से पक्के हो गए। तो यार नंबर पक्के करो ऐसे, ठीक है, नंबर पक्के करते जाओ, जो ज़्यादा नंबर के आने उन्हें पहले करो। ज्योमेट्री आपकी 16 नंबर की आनी है, ज्योमेट्री बहुत बास्ट है, तो उसको कल के लिए भी छोड़ सकते हैं, कल कर लो इसको, आज तुम एलजेब्रा पहले पूरा कर लो, ठीक है, इस हिसाब से कर लो, थोड़ा स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी फ्रेम करो। मैंने तुम्हें सब बता दिया है कि क्या क्या तुम्हें चाहिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए, खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और देखो मैंने बता तो दिया है तुम्हें, बनशॉट वीडियो तो अपनी आ ही रही है, तो बनशॉट वीडियोस को प्लीज़ देखना एक्सक्लूसिवली ऑन हैकर्स CISC। उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डर्स रहेंगे, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट रहेंगे, आपके PYQs रहेंगे, आपके मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे, आपको ये पता लग जाएगा। आप आई थिंक अपलोड हो जाएंगे शायद 1-2 घंटे में, या फिर हो गई हो मेरी, जब अगर आप वीडियो लेट देख रहे हैं तो उनको जाकर देखना, ठीक है। ओके गाइस, आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई है कि आपको प्लान कैसे करना है। आपको यार जो ज़्यादा नंबर के आने, जो क्वेश्चन कन्फर्म है गाइस, देखो बन शॉट में बताता जाऊँगा कौन से क्वेश्चन आपके कन्फर्म आने हैं, ठीक है, तो उनको यार ध्यान से देखना, ठीक है, पूरा का पूरा।
एंड विद दिस नोट मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ, ठीक है। अब यही सब है यार, कर लेना है, ठीक है। MCQ की लाएंगे वीडियोस और वन शॉट फुल रिवीजन लाएंगे मैथ्स का एंड में, ठीक है। एंड के जब दो दिन बचेंगे तब लाएंगे। चलो गाइस, विद दिस लेट्स एंड द वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आई होप आपकी हेल्प हुई होगी इस वीडियो के देखने के बाद। और आप 80 में से 80 नंबर ला के मुझे दिखा देंगे, ठीक है, कि भैया लो, मैं आपने मेहनत करी, मैंने भी मेहनत करी, 80 नंबर मैंने ला दिए। तो विद दिस, ठीक है, हम इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम पर जरूर।